एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी शाम के टाइम है और देखिए मैंने बेडशीट चेंज किया था क्योंकि बाबू ने दोपहर में टॉयलेट कर दिए थे। तो अभी मुझे चाय भी बनाना है और कई दिनों से आप सभी से मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा आज आप सभी से बात कर ही लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और जो मैंने छत से कपड़ा लाया हुआ है ना उसको भी फोल्ड करना है। और अभी ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जिग जग वाला रुमाल लाइए और हैंकी टचिंग वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मैं वो भी करूँगी। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, तो चलिए दिखाते हैं वीडियो के। अभी वही मेरा काम है, शाम का जो इवनिंग रूटीन मेरा डेली का रहता है वही है। तो मैंने बाबू को रेडी कर दिया, हो गए अपने पापा के साथ घूमने, और अभी जो मेरा काम है चलिए दिखाते और देखते। प्यार से लाइक कर दीजिए। अभी शाम के टाइम में मैंने बताया था ना, अभी बाबू ने दोपहर में टॉयलेट कर दिया था, तो मैं यहाँ पे बेड शीट चेंज कर दे रही हूँ। अभी मुझे बिछाए हुए भी 2-3 दिन हो ही गए हैं। तो अभी शाम के टाइम में, शाम के 5 बज रहे हैं, और अभी बाबू चले गए हैं घूमने अपने पापा के साथ। और तब तक मैं फटाक से बेड शीट को चेंज कर लेती हूँ, दूसरा बेड शीट लगा देती हूँ। और मुझे आटा गुनना है, सब्जी काटना है और चाय वगैरह बनाना है। जो शाम का मेरा डेली का इवनिंग रूटीन रहता है वो तो रहेगा ही, बट सबसे पहले मैं एक काम कर लेती हूँ और कपड़े भी मुझे फोल्ड करने हैं जो छत से मैंने लाया हुआ था। और वीडियो देख रहे थे एक प्यार से लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ना बाहर चली गई थी टब में कपड़ा रखने, सुबह होते ही मैं इसको धुल दूँगी। और यहाँ पर मैं तकिया कवर लगा लेती हूँ और बेडशीट भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बेड शीट लगा लिया है, और लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तकिया में कवर, और रजाई भी ठीक कर दे रही हूँ। अभी तो उतना ज़्यादा गर्मी आई नहीं, रात में थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, और बच्चा है तो और पंखा चलता है ना तो ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। तो देखिए यहाँ पे फटाक से मैं ठीक कर ले रही हूँ, और इसके बाद मैं चलूँगी चाय बनाने। देख रहे थे प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और मैं इंस्टा पे भी रील बनाया करती हूँ तो फॉलो कर लीजिएगा, और आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और अभी तक बाबू घूम के नहीं आए हैं, अभी खेल ही रहे हैं बाहर। तब तक जितना मुझे ये काम है ना मैं फिनिश कर लूँगी, क्योंकि बाबू आएंगे तो उनको दूध पिलाना रहेगा और प्यासे होंगे पानी की, क्योंकि इतना तेज़ दौड़ता है ना रोड पर कि मतलब प्यास तो लग ही जाएगी। और यहाँ पर बर्तन मैंने दोपहर में धुला था ना, तो मैंने टब में रखा हुआ था कि ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, तो यहाँ पे निकल गया। तो मैं अभी स्टैंड में इसको भी लगा दे रही हूँ। Thank you.
तो फ्रेंड्स, अभी चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं गुन रही हूँ आटा, और मैंने चाय बनाया था तो मैंने सोचा था बाबू के पापा को भी आवाज़ लगा दूँ। गेट के सामने गई हूँ, दिखे नहीं, शायद बाबू को लेके आगे चले गए हैं। तो मैंने कहा कि तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ, तब तक मैं फ्री ही बैठी रहूँगी, और मुझे अभी कपड़े भी फोल्ड करने हैं, और बाबू आएगा ना तो उसको दूध पिलाना है, पानी पिलाना है, बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा होगा मेरा बच्चा, क्योंकि जब शाम के टाइम निकलता है ना तो बहुत दूर तक दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मानते ही नहीं है, और अंदर तो आने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मैं भी क्या करती हूँ ना कि जब बाबू को लेती हूँ तो सारा काम फिनिश करके ही लेती हूँ, क्योंकि लेने के बाद ना फिर उतारो ना, गोदी से तो नहीं उतारते हैं और नखरे करने लगते हैं, बहुत बदमाशी, 1-2 घंटे तक रोते ही रह जाएंगे इस वजह से। और मैंने ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इतने तक मैंने रहने दिया था। और अभी मैं किचन में ही हूँ, मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह सब ठीक कर लिया था। अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, और रोज़ कितना कपड़े फोल्ड करना हो ही जाता है, कितना वो अरेंज करके रखूँ तो फैल ही जाता है सामान। तो देखिए बाबू आ ही रहा होगा, क्योंकि टाइम हो गया बहुत, भूखा प्यासा होगा मेरा बच्चा। तो मैं फटाक से कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ, और मैंने कल ये साड़ी पहना हुआ था ना, ये नेवी ब्लू, तो इसको भी साड़ी वगैरह जब पहनो ना तो और फैलता है कपड़ा, क्योंकि साड़ी वैसे भी एक जगह रखो तो देखने में इतना लगता है पूरा। और एक रेड कलर की साड़ी भी मैंने एक में पहना हुआ था, तो इसको भी मैंने फोल्ड करके इधर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे मैंने, अच्छा हुआ कि जो काम थे मैंने फिनिश कर लिए थे, और बाबू यहाँ पे आ गए, इनको लगी है भूख प्यास, तो मैंने पानी पिला दिया है, थोड़ी देर में मैं दूध भी गर्म करके पिलाऊंगी। और इसके बाद ना मैं अभी आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मुझे बनाना था आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल, और थोड़ा सा चावल भी जिसको खाना रहेगा बनेगा, नहीं तो रोटी तो बनता ही शाम के टाइम। तो देखिए यहाँ पे मैं ये सूखी सब्ज़ी बनानी है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वसाले नहीं डालने, क्योंकि सूखे और सादी सब्जी चाहिए, और मुझे तो आजकल ज़्यादा ही कुछ मसालों से एलर्जी हो गई, तो खाने का ही मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ जितना मुझे सादा खाना अच्छा लगता है ना, उतना मसाले और तेल वाले नहीं। तो देखिए आप, मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, देख रहे थे प्यार से लाइक कर दीजिएगा, ओके बाय बाय।